हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखिए, अभी बस मैं नहा करके आई हूँ। अभी मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, इसीलिए एकदम स्किन वाइट वाइट लग रही है। अभी चलिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं। और ये कपड़े हैं जो मैंने कल धुले थे, तो इन्हें फोल्ड करना था, इसलिए मैं यहाँ पे ले आई हूँ। अभी फिलहाल रूम देखिए बहुत फैल रहा है, तो बस पहले थोड़ा मैं मॉइस्चराइजर लगा लूँ, फिर ये सब क्लीन करूंगी। और आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है? तो मैं फटाफट से अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइजर, और अभी बज गए हैं 10। और मैं उठते ही पहले ना मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि आयना और यशु की जो ड्रेस है ना स्कूल की, वो सब धुलने के लिए थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं, अभी मशीन घुमानी होगी दोबारा पानी चेंज करके, तो सब करेंगे। आज संडे भी है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी संडे, एंजॉय करिए, और मैं भी एंजॉय करूंगी। वैसे मेरे यहाँ पे तो 4 दिन से बराबर छुट्टी चली रही है, 25, 26, 27, 28, 4 दिन से लगातार सबकी छुट्टी है, सब लोग घर पे हैं, इसलिए 4 दिन से ना मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं आराम से फ्री हो करके मंडे को, यानी कल मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर आराम से करूंगी आप लोग के कमेंट का रिप्लाई। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो आप लोगों को मैं बताना भूल ही गई, कल से धूप बढ़िया निकल रही है। आज भी बहुत अच्छी धूप निकली है और कल भी अच्छी निकली थी, तो मुझे लग रहा है धूप अच्छी निकलेगी। टेंशन खत्म हो गई फाइनली धूप की, अब कपड़ों की कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से धुलेंगे, आराम से सूखेंगे। तो मैंने मॉइस्चराइजर तो अप्लाई कर लिया है, और अभी मैं चल रही हूँ रूम ठीक करूंगी, कंघी मैं करूंगी बाद में, ये सब सामान वामान ठीक करने के बाद फिर बालकनी में जाके आराम से धूप में ही कंघी करूंगी। चलिए पहले बेड ठीक कर दूं, दिखा देती हूँ आपको एक बार लुक। ये देखो आप लोग, यहाँ पे ये रजाई वजाई सब ऐसे ही पड़ी है, कवर वहाँ है, धुला गया था कल, बेडशीट धुली गई थी, अभी कवर इसमें चढ़ाएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे मैं। गाइस, तो चलिए ब्लैंकेट फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग से एक क्वेश्चन भी मुझे करना था, तो जो मैंने टाइमिंग अभी अपने व्लॉग्स अपलोड करने का चेंज किया है, तो क्या ये टाइम सही है या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट करना। बिकॉज मॉर्निंग के टाइम का जो मेरा 12 बजे का टाइम रहता है ना वीडियो अपलोड करना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई है। मेरे को 4 घंटे 5 घंटे बैठने पड़ रहे हैं, तो वीडियो मेरा टाइम पे एडिट ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर मैंने शाम का सोचा है अपलोड करने का, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। मैं 10:30 बजे बैठती हूँ, कई कई बार 1:30 बजे तक वीडियो अपलोड होता रहता है, एडिट होता रहता है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब इवनिंग में 6 बजे के बाद वीडियो अपलोड करा करूँ। तो बाकी आप लोग कमेंट करना, आप लोग को जो भी टाइम सही लगेगा उसी टाइम पे वीडियो आएगा। अगर आप लोग सुबह मेरी वाली इधर थी, तब तुमने ऐसे करके मारा था। हाँ, तो फिर मैं भी अब साइड में मारूंगी। नहीं मारूंगी, पागल हो क्या? ऐसे करा था, ऐसे तो कर नहीं सकते ना, मेरी चांस है। संचालक, अच्छे से गेम खिलवाओ, क्या है, लड़ाई हो रही है बिग बॉस के घर में, ये सब नहीं चलता है। संचालक के होते हुए चीटिंग नहीं हो सकती है, ईशा जैसे संचालक बनना है आपको। यशी और आयना दोनों ही कैरम खेलने में आजकल बिजी हैं, और सारा दिन हमारे घर पे कैरम खेला जाता है। और मैं ये कपड़े जो हैं वो, ये एक्चुअली स्वेट शर्ट है आयना की, और 2 मेरे हैं, तो इनको मेरे को धूप में डालना था। मैं कपड़े धुल रही थी ना मशीन में, तो वो गीली हो गई थी हाथ के पास में, और अभी अच्छी खासी धूप निकली है तो मैंने डाल दिया। मुझे ठंड वैसे भी बहुत कम ही लगती है, तो मैंने उसे धूप में डाल दिया है क्योंकि गीली हो गई है, और यहाँ पर मशीन मेरी जो है वो चल ही रही। आज इन लोगों को भी नहीं मिला देना छुट्टी, भी यानी 1 हफ्ते तक फिर ऐसी रहेंगे, आज धूप है बढ़िया, ठीक है ना? पापा खेलना है, खेलने दो उनको, खेलने दो। आप सुनो मेरी बात, सुनो देखो, मैं ये कह रही हूँ बहुत बढ़िया धूप है, और थोड़ा नहीं मौसम भी सही है, आज बढ़िया टाइम नहला दो, नहीं क्या पता फिर 1 हफ्ते बाद फिर ना हो धूप, कुछ कह थोड़ी सकते है, संडे भी है। नहीं खेलोगी? खेलना है तो खेलो पापा। अब इनका कैरम खेलना बंद होगा, क्योंकि ये लोग लड़ती ज़्यादा हैं, खेलती कम है, तो इनके पापा ने लास्ट वार्निंग इनको दे दी, अगर अब तुम लोग लड़ाई करोगी तो तुम लोग से छीन लेंगे कैरम। तो बस अब शांति से खेल रही हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं खेलेंगे वो शांति से, 2 मिनट में फिर से उनकी लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग रजाई में ये जो इसका कवर था वो चढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिंगल तो चढ़ा नहीं सकते इसमें, वैसे मैं चढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के इनकी हेल्प ली ताकि ये भी मेरी कोई हेल्प करवाया करे, वैसे भी ये मेरी हेल्प बिल्कुल भी घर के काम में करवाते ही नहीं है कुछ भी। दीदी ऐसे कर दी कैलम को, ऐसे कर दी, आयना अब नहा लो भाई, पापा आ जाते,
नहा लेना उस दुकान में जाने पसंद हेयर वॉश करके अच्छे से आज। फिर ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि सुबह के सारे बर्तन रखे हुए हैं स्टैंड में लगाने के लिए, तो उनको लगाया और बीच बीच में कपड़े भी देखती जा रही थी क्योंकि मशीन भी चल रही है और अंदर के जो भी काम है वो तो आप लोग देख ही रहे हो कितने ज़्यादा काम पड़े। वैसे भी मॉर्निंग टाइम में बहुत काम हो जाता है और छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे तो सब टाइम से निपट ही जाता है लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन बहुत लेट होता है, तो कुछ यही आज भी हुआ है। अब सब काम एक साथ हो जाते हैं, इसी तरह मैं ना थक भी बहुत जाती हूँ अकेले। तो देखिए सारे कपड़े धुल गए थे, ड्राई किए फटाफट से, अब इनको फैला देते हैं धूप में। और जो आदर्श का जो आदर्श ने कुछ कपड़े थे जो वो अपने खुद से ही धुल लिया था, मैं क्योंकि सुबह मैं श्योर नहीं थी कि मशीन लगाऊंगी कि नहीं, तो उसने खुद से धुल दिया था लेकिन उसे भी मैंने ड्रायर में डाल के ड्राई कर दिया। अब ये है कि ये जल्दी सूख जाएंगे, ड्राई किए हुए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वरना इस ठंड में तो कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए सारे कपड़े फैल गए हैं, 11 बज गए हैं और कपड़े जो है वो सारे धुल गए, फैला भी दिए मैंने पूरे यहाँ से वहाँ तक। नीचे जमीन जो है वो थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने वाइपर किया हुआ है। चलते हैं किचन। आज चाय में थोड़ी सी लेट हो गई है, 10:30 बजे मैं चाय बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यही सब काम में सुबह से लगी थी मैं, मैंने सोचा पहले कपड़े धुल के डाल दूँ ताकि धूप रहेगी तो सूखेंगे। ये देखो जलेबी लवर आई, तुरंत अपना निकाली और कटोरी में लेके चल दी। ओहो क्या बात है। देखो सारा सामान भी वैसे ही रख दिया जैसे किसी को पता भी नहीं चले किसमें से कुछ निकाला गया था। और मैंने ना जब हस्बैंड बाहर गए थे तो उनसे बोल दिया था कचौड़ी लाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है लेट हो ही गया है मुझे, तो इस वजह से ताकि नाश्ता वगैरह भी बनाने में और लेट हो जाता, तो कचौड़ी और सब्जी का हम लोग नाश्ता करेंगे, साथ में है चाय। और बर्तन मैंने अभी स्टैंड में लगाया ना तो थोड़ा बहुत पानी उधर से गिर रहा था तो फिर वाइपर कर दिया और फ़ैन ऑन करके मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर आदर्श तो खा चुका और मेरी ये प्लेट रही, तो मैं ये फिनिश करती हूँ और आप लोग भी आ जाओ। यशी की तो खा रही, उसे आज कचौड़ी बहुत टेस्टी लगी, वैसे वो जल्दी खाती नहीं है कचौड़ी लेकिन आज उसे अच्छी लगी। मुझसे कह रही थी मम्मा एक मेरे लिए और बचा देना, एक्स्ट्रा रख देना मेरे लिए, मैं बाद में खाऊंगी। आईना बेटा मेरा ये वाला फ़ोन चार्जिंग में लगा दो, चार्ज नहीं है। चार्जर ना शायद वही किचन में होगा, ठीक है ना, वो वाला फोन मेरा चार्जिंग में लगा दो और इस वाले से मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँ। और अभी 12 बजने वाला है। आदर तुम क्या बना रहे हो? भाप लेने वाला पानी बना रहे हो? बना लो, चाय रखी रह गई, पी लो। ये वाला ये दूध रखा रह गया, सब बॉइल कुछ बैग हो गया। आईना ये हुला हुला रखो बेटा, बीच बीच में रख देती हूँ हमेशा, रखो इसे चलो। और आदर्श ने रजाई और फालतू की फैला दी, ये जगह है हुला हुला रखने की। देखो झंडा कितना अच्छा लहरा रहा है। अभी मैंने ना कंघी की है ना, कुछ ऐसी घूम रही हूँ मैं पागल बन करके सुबह से। मेरी वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो जाती मैं तब तक कंघी करूँगी भी नहीं, बाकी तो काम हो गए, बस खाना नहीं बना है और सारे काम हो गए। आदर्श की खांसी ठीक नहीं हो रही है और ना दवाई ले रहा है ना कुछ, बस स्टीम ले रहा है। ठीक हो गई है, 5-6 दिन से थोड़ी बहुत ही रह गई है। ठीक हो गई है। तुम अच्छे से नहा लो, बाल वाल तुम सुनो मेरी बात, खुद धुल लूंगी मैं। सुनो बाल वाल धुल लो अच्छे से, कितने गंदे हो गए हैं बाल आपके, अच्छे से नहा लो फिर ना धूप चली जाएगी। आदर्श खाना चलो आपके साथ, चार चुन्नी। आदर्श खाना बनाओ, बाहर है। क्या बनाओगे आज खाना? क्या बनाए अच्छा बताओ, तुम बताओ क्या बनाए खाना? ये बनाओ दाल रोटी मिक्सी चावल। आयना और यशी के कपड़े जो है स्कूल के वो ये देने जा रहे हैं प्रेस के लिए और साथ में अपने भी। खा लो, आयना भी नहा धो करके तैयार हो गई है, यशी भी तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स आप लोग खुद ही देख सकते हो कि पूरे घर के काम करने के बाद, सच सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद अब मुझे अपने लिए टाइम मिला है, तब जाकर मैंने कंघी की है। और इसी वजह से मेरे बालों की स्थिति ना बहुत ख़राब होती जा रही है क्योंकि मुझे मेरे लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं सारा दिन हो जाती हूँ मैं कंघी करना भूल जाती हूँ और फिर मेरा बहुत हेयर फॉल होता है। तो यही है, अब घर को पहले रखना पड़ता है, खुद को बाद में, यही होती है हाउसवाइफ की लाइफ फिलहाल। देखो अब
कंघी करने के बाद फटाफट खाने की तैयारी करने में मैं लग गई हूँ। तो आज बन रहा है पालक की दाल, भिंडी की सब्जी, बहुत दिनों बाद बन रही है। भिंडी की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने ये थोड़ी सी ही है इनके लिए और आदर्श के लिए बनाऊँगी। बस मुझे पसंद नहीं है, ना ही आना ऐसी खाती हैं, तो मैं अपने लिए नहीं बना रही। और पालक की दाल भी वैसे मुझे नहीं पसंद है, मुझे दाल ही नहीं पसंद है, लेकिन इन लोग को बहुत अच्छी लगती है तो बना दे रही हूँ। और चावल बहुत थोड़े से बना रही हूँ, क्योंकि आदर्श को खांसी आ रही है इस टाइम पे, तो वो नहीं खाता है चावल, थोड़े थोड़े सब खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और अभी टाइम जो है वो 1:30 बज गए होंगे, तो 1:30 बजे खाना आज बनना स्टार्ट हो रहा है। अब 2:30 तो बज ही जाएगा बनते बनते, खाना लगाते लगाते सबके लिए। और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, खाना बनाकर खा के अब मैं एक तरीके से फ्री ही रहूँगी। तो बस देखो दाल वाल सब बन गई थी और हम लोगों ने खाना खा भी लिया था, यशी थोड़े नाटक कर रही थी तो उसको मैंने खिलाया अपने हाथ से। और फिर ये मैंने दोपहर में कोई वीडियो शूट नहीं किया, ये शाम के टाइम का वीडियो है जब चाय का टाइम होता है। तो आयना आज चाय बना रही है और मैं भी अब रात के खाने की तैयारी करूँगी और बर्तन वगैरह जो है वो लगाऊँगी स्टैंड में, आयना की हेल्प करूँगी चाय बनाने में। और व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।